नमस्कार फ्रेंड, मैं उत्तम कुमार भारती और स्वागत है आप सबका उत्तम के भारती यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा दुबई हेल्पर में आना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुबई में दोस्तों आप कोई भी काम में आ सकते हो, लेकिन मैं अपने तरफ से बताता हूँ आप सबको कि हेल्पर में आप सब ना आओ तो अच्छा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? हेल्पर में दोस्तों रहता है ना, बहुत सारा मुसीबत रहता है, ठीक है। कौन सा काम करना रहे, कहाँ, कौन से साइड पे क्या काम मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। बहुत से लोग तो ये सोच के आते हैं कि चलो मेरे को प्लम्बर के साथ में या मेसन के साथ में या कारपेंटर के साथ में काम, वहाँ एजेंट बोलता है कि वहाँ पर तुमको मेसन के साथ में काम मिलेगा, ठीक है, बाकी दूसरा काम नहीं मिलेगा। तो ये एजेंट गलत बताता है दोस्तों, ठीक है। हेल्पर का मतलब है आपको कोई भी काम में भेजा जाएगा, ठीक है। जो भी हेल्पर का काम रहेगा वहाँ पर आपको भेजा जाएगा और कोई भी काम दे सकता है। ऐसा दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि आपको मेसन के साथ ही भेजा जाएगा। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं या एजेंट आपको बोलता है कि आप हेल्पर में जाओ, आपका मतलब मेसन के साथ या प्लम्बर के साथ ही काम मिलेगा, तो ये गलत है दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, ये सोच के कभी मत आना। वैसे दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हेल्पर में मत आओ आप सब, तो अच्छा है। जितना हो सके कोई भी काम सीख लो, वो काम में आओ दोस्तों, इससे आपका ज़्यादा फायदा रहेगा। हेल्पर में ना आओ तो अच्छा है। हेल्पर में अगर आते भी हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी में आओ। और हेल्पर में दोस्तों क्या रहता है ना, बहुत सारा मुसीबत रहता है। अभी आप अगर कारपेंटर का काम करते हो ना, तो आपको कारपेंटर का ही काम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हेल्पर में आते हो तो आप कोई कहीं गोंदी उठाने को लगा देगा, कहीं साफ़ सफाई, कहीं कुछ, तो यही सब प्रॉब्लम रहता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितना हो सके आप सब काम कोई ना कोई सीख लो, कोई भी काम सीख लो, चाहे ड्राइवरी सीख लो या मेसन का काम, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, कोई भी काम सीख लो, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हेल्पर में आने को आ सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आ सकते हो, लेकिन काम सीख के आओ तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडिया और दुबई के काम में कुछ फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम काम है। बस यही यहाँ पर जो औजार है, ठीक है, काम करने वाला औजार, वही थोड़ा नाम चेंज है, बाकी सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला यहाँ पर। तो मेरा यही आप सबसे कहना है कि आप सब कभी भी आए तो हेल्पर में मत आए, अगर हेल्पर में आते भी हैं तो ज़्यादा सैलरी में आए, और ज़्यादातर हो सके जितना हो सके कोई भी काम सीख लो, उससे आपका फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। काम सीख के ही दुबई आओ, ठीक है। तो दोस्तों बस वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।